असलकम एवरी एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और ये सुबह के पाँच बजे हम लोग रेडी थे एयरपोर्ट जाने के लिए असल में हाँ, मामू आ रहे हैं मैंने शायद पिछले व्लॉग में भी बताया था हम लोगों ने पैकिंग की थी आ, तो हाँ फिर हम लोग निकल गए हैं वैसे दिन को जाओ तो घंटा या सवा घंटा लग जाता है पर इस टाइम में सड़कें खाली थी तो हम एग्जैक्ट थर्टी फाइव मिनट्स में पहुँच गए थे और रास्ते में हमने ये हॉस्पिटल कायदेज़म हॉस्पिटल देखा तो मैं मम्मा को कह रही थी कि इन्होंने ये इतनी लाइटें क्यों लगाई हुई हैं तो शायद क्रिसमस के लिए लगाई हैं मम्मा कह रही हैं क्रिसमस के लिए ये लोग क्यों लगाएंगे फिर मैंने सोचा और फिर मैंने कहा हाँ अच्छा ट्वेंटी फाइव दिसंबर जो आ रही है तो कायद अजम डे के लिए लगाई हुई है उन्होंने और यहाँ पर अब हम पहुँच गए और हम लोगों को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ रहा था हम थर्टी फाइव पर पहुँचे थे फाइव थर्टी फाइव पर और फाइव फिफ्टी पे मामू बाहर निकल आए थे और वो बताए थे कि लास्ट टाइम जब वो आए तो अंकल उन्हें लेने गए थे और वो इसी टाइम पर आए और सुबह आठ बजे निकले थे मामू और इस दब हमारे साथ ये हुआ था कि हमें रात को पता चला कि सुबह मामू को लेने जाना है हम लोग समझ रहे थे कि ट्वेंटी सेकेंड को उन्होंने आना है मतलब वेंसडे को आना है पर उन्होंने आना ट्यूसडे को था ट्वेंटी फर्स्ट को और हम मंडे को आराम से गए हैं अपनी ग्रोसरी करने वो ले कर आए हैं और रात को जब दूसरे मामू जो उधर ही होते हैं वो हालांकि दिन को आ, मतलब ए, दो मामू हैं वो एक ही मुल्क में रहते हैं तो एक ने दूसरे को बिठाया और ममा को कॉल करके बताया कि भाई मैंने इसे बिठा दिया तो अब आप मम्मा कहती है अच्छा ठीक है बिठा दिया ओके और वो समझ गए एक दिन छोड़ के अगले वेंसडे को पहुँच रहे मंडे को वो अब मम्मा को बता रहे हैं कि मैं दूसरे को बिठाया है वो छोटे मामू को तो फिर रात को सात बजे मामू की कॉल आई कि अब रेडी रहना तो सुबह तुम लोगों ने पाँच बजे जाना है ममा कहती हैं आज रात पाँच बजे तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दिन का क्या बता रहा कि मैं बिठाया हूँ और जब मम्मा ने हमें बताया था कि हमने कहा पता नहीं कौन से कोने में मामू रहते हैं कि उन्हें एक दिन बीच में स्टे भी कहीं पर करना होगा और वो पूरा एक दिन लगा के अगले दिन पहुँचेंगे पर पता नहीं क्या हुआ है हम लोगों को भी असल में यही लग रहा था कि उन्होंने ट्यूज़डे को आना है पर मम्मा की मामी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 आ, उन्होंने वेंसडे को आना ट्यूसडे को नहीं आना तो बस फिर बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गई थी तो फिर हम लोगों की तैयारी थी हमने पैकिंग की हुई थी बस हम लोगों ने नहाना था मम्मा ने अपने बाल आ, वो कलर करने थे और थोड़ी बहुत चीज़ें जो है रखनी थी मेन पैकिंग तो हमने कर ली थी तो फिर जब उन्होंने हमें बताया था तो हम तो गुस्सा हो रहे थे कि ये क्या है आपने हमें सही बताया नहीं उन्होंने कहा तुम्हारी मामी का कसूर है मैं तो सही ट्रैक पर चल रही थी उन्होंने फिर मुझे हटा दिया सही ट्रैक से पर मैं कह रही हूँ शुक्र है उन मामू ने हमें कॉल करके रात को पूछ लिया कि रेडी हो नहीं तो हमने तो सुबह पाँच बजे उनकी कॉल आनी थी कि आप लोग पहुँचे क्यों नहीं एयरपोर्ट पर फिर तो यही होना था हम तो अपने ध्यान में थे आज इस किस्से पे आधा व्लॉग हो गया पर ये भी बताना ज़रूरी था तो बस हम तो सुबह ही पहुंच गए थे मामू को लेके और ये दूसरी काला भी आ गई है ये दोपहर को आई थी तो ये हमारी कज़न आई है ये असल में बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है तो इसको हमने पहले बुला लिया था बिरयानी बनाने के लिए और दूसरा इससे हमारी दोस्ती भी अच्छी है तो हम लोग वैसे ही खुश थे कि अच्छे जल्दी आ गए तो ये क्या बन रहा है ये बिरयानी बन रही है और इसके अलावा निहारी बना चुके हैं बाकी मामी पूछो मामी आप बताएं बाकी आपने क्या बनाया है? बाकी खीर बनाई है और गजरेला बनाया है मटन कौरमा ठीक है सलाद वगैरह और इन्होंने तो बिरयानी मालूम नहीं डालने थे पर हमने कहा कि हम आए हैं और खानी भी हमने ही है और हमारे लिए ही बन रही है मामू को तो खास इंटरेस्ट है नहीं इस बिरयानी में हमने ही मेरे खानी है तो आलू तो डलेंगे अंदर लाइट चली गई थी तो वो कह रही थी कि अब खाना कहाँ लगाया जाए मामी कह रही थी तो हमने कहा कि बाहर लगा लें और वैसे भी बाहर धूप है खाने में मैंने तो मेन बिरयानी और खीर ही खाई थी और मुझे वो दोनों ही पसंद आए थे पर खीर जो है ना वो तो इतनी ज़्यादा मज़े की थी मतलब और उसी टाइम सब ने चट कर दी कुछ नहीं बचा शाम को खाने के लिए तो हाँ ऐसा पता चलता है कि मज़े की थी ये भी हमारी कज़न है और दावत में सब अपनी गप्पों में मसरूफ़ थे और ये अपने बच्चों को खिलाने में मसरूफ़ थी मम्मा कह रही थी कि हम लोग भी आए हैं तो हमारी तरफ भी थोड़ी तोज्जा दे दें कोई हमसे भी बात कर लें और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं नेट का पैकेज कराने के लिए हमारा तो मामू ने कराया हुआ था पर वो उनके अपने पोर्शन में होता है और फिर नानों के पोर्शन में नहीं हुआ था और अब मम्मा लोगों ने वहाँ पर उनके साइड पर रहना होता है तो आनी ने कहा कि भाई नेट के बगैर ना तो मेरे बच्चों का गुजारा है और ना ही आनी अंकल को भी चाहिए होता है असल में और अब तो नानों को भी ख़ारिज चाहिए होता है किसी का इस दौर में किसी नेट के बगैर गुजारा नहीं है तो फिर बस हम वो कराने गए हैं सबसे पहले आज खाला जो है वो गांव के बीच में से घुमा के लेके गई थी इस दुकान पर कि रास्ते में वो आते हैं इन लोगों का पुराना घर आता है तो अभी फ़िलहाल तो वो इन लोगों ने अपने चचा को दे दिया उन्होंने जैसे में हमें वो घर दिखाना था पर फिर मैंने कहा कि आनी आज देर हो जाएगी तो फिर कभी सही क्योंकि अब रात भी जल्दी हो जाती है तो बस अब हम घर भी पहुंच गए और आज का लोग इतनी था उम्मीद आपको पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अल्लाह हाफ़िज़